हेलो फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी लेकर के आए हैं जिसका नाम है मैगी सैंडविच। वैसे तो सैंडविच आपने बहुत टाइप के खाए होंगे, आलू सैंडविच और वेजिटेबल सैंडविच, लेकिन आज जो हम बनाएंगे सैंडविच वो है मैगी सैंडविच। तो इसके लिए मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने एक मैगी ली है, ये एक कटा हुआ टमाटर है, एक प्याज है और 2 से 3 हरी मिर्च ली है। और इसमें जो ब्रेड है, ये ब्रेड ली है मैंने, ब्रेड आप किसी भी साइज़ की ले सकते हैं लेकिन मैंने इस साइज़ की ब्रेड ली है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी, इसके साथ में म्यूनीज ऐड करूंगी प्लस चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा टॉपिंग, अगर आपके पास पिज़्ज़ा टॉपिंग नहीं है तो आप सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है ऑर्गेनो हर्ब्स और ग्रीन चिली सॉस एंड टमेटो सॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ब्रेड, तो अब मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। सबसे पहले बनाएंगे हम मैगी, लेकिन मैगी बनाने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो स्टार्ट करें, ये है मैगी, अब हम बनाते हैं। मैं कढ़ाई ली है, अब मैं इसमें लगभग आधा ग्लास इसमें पानी डालूंगी। मैगी ज़्यादा हमें ज़्यादा गलानी नहीं है, मैगी हमें हल्की ही बनानी है क्योंकि जब हम सैंडविच बनाएंगे तो ये इसके साथ और अच्छे से पक जाएगी, तो मैगी को हमें ज़्यादा ज़्यादा नहीं गलाना है। तो इसको हम नॉर्मल मैगी बनाएंगे, हमें इसमें कुछ भी डालना नहीं है इंग्रेडिएंट्स, बस नॉर्मल जो मसाला है वो ऐड करेंगे। हम एक चीज डाल सकते हैं अगर हमें डालना है, हम इसमें आजकल क्योंकि विंटर्स टाइम चल रहा है तो आपको मटर मिल जाएगी, तो आप मटर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें बस थोड़े से मटर के दाने डालेंगे कुछ। याद रखना मैगी ज्यादा पकानी नहीं है, हल्की ही रखनी है हमें मैगी। मैं आपको चेक करा दूंगी कि किस टाइप का मैगी चाहिए हमें इसकी स्टफिंग करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने ज़्यादा मटर नहीं ली है, मैंने ये इतनी ही मटर मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ ताकि इसके साथ पक जाएगी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो जब तक हमारी मैगी पकती है, तो ये देखिए अब हमारी मैगी एकदम रेडी हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें मैगी ज़्यादा गलानी नहीं है, ऐसी नॉर्मल रखनी है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं अपनी फ्लेम को, गैस की। तो अब इसे कुछ मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रेड में हम गरम गरम स्टफिंग डालेंगे मैगी की तो ब्रेड जो है वो फट जाएगी। तो ये देखिए, ये अब हम इस ब्रेड में, मैंने जैसे आपको बताया था ये मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा रही हूँ इसमें। आप अगर आपके पास पिज़्ज़ा टॉपिंग नहीं है तो आप सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, रेड सॉस, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें इस तरीके से पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा रही हूँ। और ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली जो सॉस है मैं वो ले रही हूँ, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ये लगाऊंगी मैं इसमें, ज़्यादा नहीं, ये भी थोड़ा ही लगाऊंगी मैं। ये देखिए, अब इसमें मैं ये मैगी जो हमने बनाई थी, रेडी करी थी, अब वो मैगी की स्टफिंग कर रही हूँ मैं इस तरीके से। इसको अच्छे से आप किनारे तक ऐसे करके स्टफिंग कर दीजिए। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अनियन, जो हमने अनियन काट के रखा हुआ था, थोड़े से इसमें हमने जो टमाटर थे वो ऐड करूंगी।
और ग्रीन चिली, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम ज्यादा, अब इसमें मैं थोड़ा ऊपर से और ग्रीन चिली जो सॉस है वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने इसका जो बेस था हम उसमें ऑलरेडी लगा चुके हैं तो ये हम कम ही यूज़ करेंगे। अब ये ग्रीन हर्ब्स हैं जो मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनो हर्ब्स, ये भी मैं इस तरीके से इसमें हल्का हल्का डालेंगे। इसके साथ जो चिली फ्लेक्स से वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऊपर से लास्ट में हम डालेंगे इसमें वेज मेयोनीज, ये देखिए ये फ्रंट टॉप की जो है ये वेज मेयोनीज हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये जब हम इसको अच्छे से बेक करेंगे तो ये अपने आप जो मेयोनीज है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी क्योंकि विंटर का टाइम है तो ये थोड़ी ड्राई हो गई है अभी। देखिए अब ये दूसरी ब्रेड पर भी हम क्या करेंगे, इस पे भी हम हल्का सा इसमें जो पिज्जा सॉस है वो ऐड करेंगे, हल्का ही लगाएंगे क्योंकि हमने इसका बेस में ऑलरेडी काफी लगा दिया है तो हम ये हल्का ही ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस ये ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से इस तरीके से इसको ऐसे दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, ये देखिए। तो ये देखिए ये जो हम इसमें अब जो सैंडविच बनाएंगे वो हम इसमें अच्छे से बेक करेंगे। इसके लिए जो आपके पास सैंडविच बेकर आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन हम इसमें बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है अभी। तो इसमें हम हल्का सा कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, बस आप सरसों का ऑयल मत यूज करिएगा क्योंकि सरसों के ऑयल लगाने से उसमें थोड़ा स्मेल आ जाती है। या तो बटर यूज कर सकते हैं इसके लिए या आप देसी घी को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बना करके या रिफाइंड को आप हल्का सा, ताकि जो हमारा जो सैंडविच है वो जले नहीं। और इस तरीके से इसमें हम रखते हैं और हल्का सा ही हम ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर डालेंगे इसमें और अब इसको हम इस तरीके से बंद करके और गैस की हल्की फ्लेम पर ही इसको हम सेकेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर हमने तेज करा है अगर हमने फ्लेम तो उससे जो हमारा सैंडविच है वो जल जाएगा और जो हमारी हमने अंदर मेयोनीज ऐड करी है वो भी लिक्विड नहीं होगी क्योंकि बाहर की जो सरफेस है ओनली वही अच्छे से बेक हो पाएगी, अंदर का स्टफिंग नहीं बेक हो पाएगा। तो इसलिए हमें इसे हल्की फ्लेम में ही इसको सेकना है और इसको बीच बीच में हमें इसको ऐसे ही पलटते रहना है। तो ये 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगा तो हम इसको बीच बीच में इसी तरीके से इसको हम चेक भी करते रहेंगे, बीच बीच में हम इसको खोल करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं अब इसको चेक कर रही हूँ और फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए बस। तो ये देखिए को ओनली आप 2 मिनट के लिए ही सेकेंगे, वो आप बीच में चेक कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, देखिए जैसे ये अब इसने कलर अपना चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, देखिए। तो ये देखिए हम बीच बीच में इस तरीके से चेक कर रहे थे, अब ये हमारा सैंडविच एकदम रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे ये देखिए। तो ऐसे ही हम अपने सैंडविच रेडी कर सकते हैं, जो भी हमें सैंडविच और बनाने हैं।
तो ये आप चाहे तो पूरा ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से इसको काट के दिखाती हूँ, कट करके, कि देखिए इसकी स्टफिंग कितनी लिक्विड आ गई होगी और कितना सुंदर, और ये बिल्कुल यूनिक है। आप भी इसे ट्राई करिएगा। आलू के सैंडविच और वेजिटेबल सैंडविच सभी ने खाए होंगे, लेकिन ये मैगी के सैंडविच एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। ये देखिए, तो अगर आप लोगों को हमारी ये यूनिक और न्यू रेसिपी अगर पसंद आए, मैगी सैंडविच, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं आपके साथ दोबारा से एक बार नई एक न्यू रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।